अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको विज़िट भी करवाऊँगा DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद का, कि DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है वो कितनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे कितनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है और वहाँ पे जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। DHA इस्लामाबाद फेज़ 6 जो DHA फेज़ 5 की बैक साइड पर है और इसके साथ ही DHA वैली भी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको विज़िट भी करवाऊँगा। तो नाज़रीन चलें हम चलते हैं DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो कितनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है और DHA फेज़ 6 जो है वो आने वाले मज़ीद कितने टाइम में ये मुकम्मल डेवलप हो सकता है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन देखते हैं DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद। व्यूवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में। ये सेक्टर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इलाका है सेक्टर B3 और C1 C2 का। इस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके जो सामने एरिया कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो DHA वैली का है, जो एरिया डेवलप आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त जो आप सामने अपने देख रहे हैं कुछ एरिया, ये DHA वैली का है। तो हम मौजूद हैं सेक्टर B3 और C1 C2 के इलाके में मौजूद हैं। सेक्टर ए और सेक्टर B3 और सेक्टर C1 C2 और C3 एक्सटेंशन के दरमियान जो इलाका है उस इलाके में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, कुछ थोड़ी बहुत वहां पे लिटिगेशन भी मौजूद हैं लेकिन ये एरिया सारा आपस में लिंक हो चुका है। सेक्टर ए से ले कर सेक्टर B3 C1 C2 तक ये एरिया आपस में इस वक्त लिंक हो चुका है और जो सेक्टर ए और सेक्टर B3 और C1 C2 के दरमियान वाला एरिया वहाँ पे भी डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि DHA फेज़ 6 में इस वक्त इंतहाई तेज़ी के साथ डेवलपमेंट का काम हो रहा है। सेक्टर B3 C1 C2 और C3 एक्सटेंशन जो है ये एरिया काफ़ी हद तक जो है वो इस वक्त डेवलप हो चुका है, खसूसन सेक्टर B3 C1 और C2 जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और मुमकिन है कि सेक्टर B3 और C1 C2 का यहाँ पे DHA वैली का जब कब्ज़ा मिलता है तो इसके साथ साथ इसका भी कब्ज़ा दे दिया जाए, क्योंकि ये एरिया भी काफ़ी टाइम से डेवलप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोडें बनी हुई हैं और स्ट्रीट लाइट्स भी इस एरिए में लगी हुई हैं, तो ये एरिया काफ़ी टाइम से डेवलप है, हाइट का एरिया है और इसमें इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद, इस वक्त हम DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आगे चल के मैं आपको DHA फेज़ 6 की जो प्राइस चल रही हैं ये भी बताऊंगा कि इस वक्त करंट यहाँ पर प्राइसिस क्या चल रही हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं DHA फेज़ 6 और हम आगे बढ़ेंगे। जो C3 एक्सटेंशन का इलाका है या जो मज़ीद इसका जो फेज़ 6 का इलाका डेवलप हो रहा है जिसमें ये आने वाले वक्त में जो नॉन बैलेट फाइलें हैं वो एडजस्ट की जाएंगी, जो ओपन सर्टिफिकेट हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, वो इलाका भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर B3 और C1 C2 के इलाके में। ये जो आप ब्रिज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ब्रिज जो है ये मकामी आबादी का यहाँ से रास्ता गुजरता है, जो लूना साइदा दखाली वाली साइड से आते हैं और फिर ये यहाँ से बौन और बौनी का इलाका है ये, यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा है। तो मकामी आबादी का जो रास्ता है ये इस ब्रिज के ऊपर से मकामी लोग गुजर के ये रावलपिंडी की तरफ आ जाएंगे और जो DHA फेज 6 है वो इस ब्रिज से नीचे वाली साइड से गुजर के पिछले सेक्टर जो बनेंगे DHA फेज 6 के इस तरफ चले जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं DHA फेज 6 में। इस वक्त DHA फेज 6 में जो सेक्टर ए है तकरीबन 1.70 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ रुपए तक सेक्टर ए में प्राइस चल रही है। सेक्टर B3 जो है वहाँ पे तकरीबन 1.40 से लेके 1.70 की ब्रैकेट में इस वक्त प्राइस चल रही हैं और सेक्टर C1 C2 में भी तकरीबन 1.30 से लेके 1.60-1.70 तक प्राइस है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद जो इसके ऑल न्यूज़ क्लियर है नॉन बैलेट वहाँ पे तकरीबन 1.15 से लेके 1.40-1.45 करोड़ रुपए तक प्राइस चल रही है, सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो ओपन सर्टिफिकेट है 6 लाख बैलेंस वाला वो तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के इन बिटवीन है और जो 14,65,000 बैलेंस वाला ओपन सर्टिफिकेट है वो आज की डेट में तकरीबन 80 लाख के प्लस माइनस में इस वक्त सेल होता है या आपको मिल भी सकता है।
अगर आप BHA फिजिक्स में अपना कोई प्लाट सेल या परचेज़ करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर सर्विस आपको दे सकूँ। नाज़रीन, वीडियो ख़त्म होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।